हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शंस कंप्लीट की थी, अपनी अपोजिंग रिएक्शन या फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, क्या क्या होती हैं वो आपको पूरा बताया था, डेरिवेशन किस तरीके से होती हैं। तो आज हम ना स्टार्ट करते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन से, मतलब उसका किस तरह का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है और कैसे कैसे हम उसको अप्रोच करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो गेट में आया हुआ है। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लो, फट से जल्दी से नोट कर लो इस वाले क्वेश्चन को। इसके बाद इसको देखते हैं कि क्या करना है इसमें। यहाँ पर ना आपके दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक, हमने लास्ट क्लास में जब आर्गेनियस इक्वेशन किया था तो उसके हमने एग्जांपल कम देखे थे, तो वो एग्जांपल भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्गेनियस इक्वेशन का पार्ट भी आने वाला है, तो दोनों आपके पता चल जाएगा कैसे कैसे होते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। देखो, एक कॉमन क्वेश्चन, मतलब कॉमन डाटा दिया हुआ है आपको दो क्वेश्चंस के लिए। आपको एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, एक ही वाली सारी इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको दो क्वेश्चन बना के दे दिए। आपको इसमें बताना है इनकी वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले तो अपोजिंग रिएक्शन हमारी एक दी हुई है, जिसमें हमारा ए और बी रिएक्टेंट हैं, सी और डी प्रोडक्ट हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट K1 है, बैकवर्ड रिएक्शन का K-इनवर्स है। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो हमें गिवन है 100 किलो जूल पर मोल। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं हमें चारों की, जो भी ए बी सी डी हैं। तो इक्विलिब्रियम वाला जब टाइम आ जाएगा, यानी कि जब हमारा एक तो टाइम ये होता है कि भाई देखो, एक तो टाइम ये होता है जब ये इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन इसकी कुछ होगी, ये वाली हमारी शुरू में जीरो ही थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टी सेकेंड के बाद यहाँ पे कुछ हुई होंगी वैल्यूज। अब यहाँ पर ना ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट हमें दे रखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 4 है। हमें ये वाला पार्ट दे दिया कि भाई लास्ट में आके जब ये हमारे कॉन्स्टेंट हो गई टर्म, तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमारे चारों की गिवन है हमें। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे जब यहाँ टी जो है, टी इक्विलिब्रियम होता है, तब हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है। ठीक है, और ये सब कुछ हो रहा है हमारा 700 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ जो हैं ये 700 केल्विन पे है। अब हमें ना फर्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 3-4 कैसे हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले ना दो क्वेश्चन और थे, वो अभी आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने वो नहीं कराए। तो इसलिए यहाँ पे गलती से वो 3-4 लिखा गया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो दो क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगी आगे। तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन पे आ गए थे, तो डायरेक्टली मैंने वहाँ से 3-4 लिख दिया। तो ये हमारा पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके अकॉर्डिंग तो पहला ही है, तो इसको फर्स्ट और सेकेंड डालो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो हमारी K1 और K-इनवर्स की वैल्यूज़ हैं, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रेट है, हमें वो निकालना है। और ये हमारा 700 केल्विन पे ही निकालना है, क्योंकि अभी तक कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन नहीं करें तो मतलब इसी पे ही निकालना है, और अगर डायरेक्टली लिख के दें तब तो निकालना ही है इस पे। ठीक है, अब हमें सेकंड में क्या कहा है, रेट कॉन्स्टेंट निकालो फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट पूछा है नेक्स्ट में हमें, और वो भी टेम्परेचर चेंज करने के बाद, 1000 केल्विन जब हो जाए तब क्या होगा। तो अब क्या करना चाहिए हमें, इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना चाहिए वो कैसे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ना तीन चीज़ें पता हैं। एक तो हमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, एक हमारा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। देखो, जो इक्विलिब्रियम होता है ना हमारा, के इक्विलिब्रियम यानी रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अगर हम इसको देखो, फॉरवर्ड की जगह यहाँ K1 दिया हुआ है और बैकवर्ड का इन्वर्स दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है, मतलब ये हमारा होता है फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले K इक्विलिब्रियम ही निकाल लें, क्योंकि हमें K1 K इन्वर्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर हमें K इक्विलिब्रियम की वैल्यू पता होगी तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो सबसे पहला काम हमें यही करना है, तो हम यही करते हैं। तो यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, सारा ही लिख लो ही फटाफट। देखो, अब हमें सबसे पहले ना K इक्विलिब्रियम निकालना है, तो हमें पता है
कि इसके लिए हमें के वन भी चाहिए और के इनवर्स भी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास तो तीनों वैल्यूज़ ही नहीं है यहाँ पर, तो सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम के इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले इसी की वैल्यू दिख रही है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सबकी दी हुई है। तो जो हमारी रिएक्शन थी, ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी, ये तो के इक्विलिब्रियम कैसे आता है, जो आपके प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइड बाय जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, इसके इक्वल होता है ये के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट नाम आ रहा है, इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल तो होता ही है, साथ में इसके इक्वल भी होता है अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेप हमारा इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी देखो रिस्पेक्टिवली दी हुई है, तो यानी ए की वन है, ए की वन दी हुई है, बी की टू दी हुई है, इन टू है, यहाँ पर फाइव दी हुई है सी की, और फोर दी हुई है इसकी। तो यहाँ से हमारा जो आया वो आया टेन के इक्विलिब्रियम। इतना पार्ट हमारा यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गया कि हमारा जो के इक्विलिब्रियम आया है वो इतना आ गया। चलो इस वाले पार्ट का तो काम हो गया ख़त्म, कि हमें इस वाले पार्ट से अब कोई मतलब नहीं, ये तो हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ से हमारा के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ दी गई थी वो हमने निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास ना तो के वन की वैल्यू है ना ही के इनवर्स की वैल्यू है, हमें तो दोनों ही निकालनी है। तो अगर हम ऐसा कर लें कि हमें एक चीज़ पता हो तो फिर दूसरी तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि के इक्विलिब्रियम हमें पता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक को ही निकालना है, और वो एक कैसे आएगी, यहाँ पर यूज़ होगी अब आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू, जो आपका ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसको हम कह देते हैं, या फिर बोल देते हैं कि वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देते हैं इसको, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर। और हमें यहाँ पर ई ए एक्टिवेशन एनर्जी भी दी हुई है, आर हमें पता ही होता है, टेम्परेचर भी गिवन है। अब सारी चीज़ें हमें गिवन हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वेट क्यों करना, डायरेक्टली पुट करो वैल्यूज़ को। ई ए की जगह लिख दो 100 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाय, यहाँ पर आर टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, और साथ में इनटू है टी 700 केल्विन। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, जूल पर मोल से जूल पर मोल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ किलो वाली टर्म बचेगी। तो e की पावर में ना -100, और किलो को भी हम चेंज कर लेते हैं 10^3 जूल में, तो ये 10^3 आ गया जूल पर मोल, तो ये कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 8.314 इंटू 700, इतना पार्ट हो गया यहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है के वन और के इनवर्स निकालने वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, साथ में इसके ये चल ही रहा है हमारा 10^10 मोलर पर सेकंड, पर मोल पर सेकंड, ये है हमारा k की वैल्यू। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, e की पावर में देखो ये सब दिया हुआ है आपको, यहाँ से आप जितना सॉल्व कर सकते हो उतना तो कर लोगे, लेकिन ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि e की वैल्यूज़ जो भी आ रही हैं यहाँ पर आप उनको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, इसीलिए गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर ये नेट में आएगा तो आपको वहाँ पे वो वैल्यूज़ दी हुई होंगी, कहीं पे कॉर्नर में आपको वो वैल्यूज़ गिवन होंगी, या फिर कैलकुलेटर अलाउड अगर हुआ उस एग्ज़ाम में, तब ऐसा हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं इस के वन की, यहाँ पर हम ये सब के वन के लिए ही तो कर रहे हैं, के वन निकालने के लिए। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो के वन की वैल्यू आती है 34.5, इसको पूरा सोल्व करके देखना कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू आ जाती है ये। ठीक है, ये आ गया हमारा 34.5 के वन की वैल्यू, सॉरी के वन की वैल्यू तो 345 है, के वन की वैल्यू तो है 345। अब हमें निकालनी है के इनवर्स की वैल्यू, तो देखो के इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, के इक्विलिब्रियम तो 10 है हमें पता है, तो हम अगर यहाँ पर ये मेंशन करें कि भाई के इक्विलिब्रियम जो है
वो हमारा के वन अपॉन के इनवर्स है, ठीक है। इसकी जगह अगर हमने 10 ले लिया और के वन की जगह हमने 345 ले लिया तो के इनवर्स तो अपने आप आ जाएगा, 345 डिवाइड बाय 10, तो के इनवर्स कितना आ गया, 34.5 पर मोल पर सेकंड, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये हमारे के वन और के इनवर्स दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से ये कंप्लीट हुआ है। तो हमने क्या क्या किया इसमें, एक बार इसको अच्छे से दोबारा से करके देखना आप। हमने सबसे पहले तो के इक्विलिब्रियम निकाला, हमें वैल्यूज़ दी गई थी सारी, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी इक्विलिब्रियम वाली, तो हमने वहाँ से तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकाल लिया, ठीक है। जैसे ही हमारा के इक्विलिब्रियम निकल गया, अब हमें निकालना है के वन, ठीक है। के वन के लिए हमें दी हुई एक्टिवेशन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी फैक्टर, वहाँ से हमने के वन निकाल लिया, ऑल राइट। तो के वन तो आ गया हमारा 345 वहाँ से। अब हमने के इनवर्स निकालना है, के इनवर्स निकालने के लिए हमें के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के वन अपॉन के इनवर्स फॉर्मूला रखा था, तो वहाँ से के इनवर्स भी आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारी आ गई, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एट 1000 केल्विन। अब यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, ये वाली चीज़ जो आपने के वन निकाला था ना, बस यहाँ पर चेंज आएगा, अब और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सारी चीज़ें हटा दो। अब सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये के वन है ये वाला, इसमें जो ये टी लिया था ना आपने यहाँ 700, इसकी जगह वैल्यू 1000 आ जाएगी, बस इतना सा चेंज होना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें जो आप के वन निकालोगे वो बाकी चीज़ें तो सेम आप ऐसे ही लिखोगे एज इट इज़, ये की वैल्यू भी आपकी 100 × 10³ जूल पर मोल रहने वाली है, डिवाइड बाय 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और यहाँ पर आएगी आपकी 1000 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल, जूल पर मोल से जूल पर मोल कैंसिल, यहाँ 1000 आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये 1000 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से भी E की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ से जो K1 की वैल्यू आएगी आपकी फाइनली सोल्व करके, वो आएगी ये 5.97 × 10⁴ पर मोल पर सेकेंड। देखो कैलकुलेटर का यूज़ करना ही पड़ेगा इसको निकालने के लिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन से ना आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, एक तो आपको आर्किमिडीज इक्वेशन वाला पता चल गया कैसे करते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सारी रख के हम कैसे निकाल रहे हैं, तो वो एक तो वो पता चल गया, दूसरा आपको इक्विलिब्रियम वाली ये भी पता चल गई कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट का आपको एक रिलेशन पता चल गया, राइट। तो ये क्वेश्चन था हमारा इसका, ओके। अब अपना पैरेलल रिएक्शंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे पैरेलल रिएक्शंस, फिर हम उसके भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस देखेंगे। पैरेलल रिएक्शंस, अब इनके नाम से ही सजेस्ट हो जाता है कि ये किस टाइप की रिएक्शंस होंगी। पैरेलल रिएक्शंस अभी तो आपने पढ़ी थी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस जो आपकी अपोजिंग थी, रिवर्सिबल थी, अब आप पढ़ रहे हो पैरेलल रिएक्शंस, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ए से ही एक प्रोडक्ट बन रहा है और ए से ही दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं। पैरेलल इसलिए कहा है क्योंकि दोनों बी और सी पैरेलल बन रहे हैं, ये पैरेलल लाइन है ना, तो ये ध्यान रखना। पैरेलल रिएक्शंस में ना एक ही प्रोडक्ट से हमारे दोनों बनते हैं, एक ही रिएक्टेंट से ए से दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, बी भी और सी भी, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है ना जिनमें हमारा टू प्रोडक्ट्स जो हैं या टू से ज़्यादा भी फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक ए बना है, एक बी भी बन सकता है, साथ में सी भी बन सकता है, डी भी बन सकता है, तो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट से कई प्रोडक्ट बनने पॉसिबल हो सकते हैं, और ऐसा होता भी है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है एक रिएक्टेंट से एक ही प्रोडक्ट बने, ऐसा भी तो होता है ना कि कई तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जो इस तरह की रिएक्शंस होती है ना जिनमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है एक ही रिएक्टेंट से, उनको हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ना सेम वही चीज़ें हम अप्लाई करेंगे कि टी इक्वल टू ज़ीरो टाइम पे,
इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो थी ए, तब तक ये तो बने भी नहीं थे जब टाइम ज़ीरो है। अब हमारा एक टाइम हुआ टी सेकेंड, उस पर क्या हुआ हमारा इनिशियली ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जितना डिक्रीज़ होगा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें से जितना आप डिक्रीज़ कर रहे हो उतना ही यहाँ पर एक्स एक्स बना दें, ऐसा नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर उसमें हम क्या कर रहे थे, जब एक प्रोडक्ट बन रहा था कि जितना यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा था उतना ही वो प्रोडक्ट बन रहा था। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा एक्स ही बने, यहाँ पर तो हमारे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो एक की कॉन्सेंट्रेशन कुछ और हो सकती है, दूसरे की कुछ और हो सकती है, बट ये श्योर है कि बनेंगे वो एक रिएक्टेंट से ही। तो इसको हम वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं टी सेकेंड पे, ठीक है। पर ये बात श्योर है कि जो एक्स है हमारा वो वाई प्लस जेड के इक्वल होगा, ठीक है। जितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा होगा ए का उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा आपके बी में और सी में, दोनों में, तो इनके सम के इक्वल होगा, ये बात श्योर है, ठीक है ना भाई। जितना इसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है वो उन दोनों में डिवाइड हो रहा है ना, उनसे दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं बी और सी हमारे, जितना इससे अमाउंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो इसलिए एक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी इसके भी इक्वल होगी और इसके सम के इक्वल होगी, ठीक है। ये इस रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रेट की, रेट तो यहाँ पे अब अगर हम माइनस डी ए बाई डी टी करें, क्योंकि यहाँ ए डिफॉर्म हो रहा है, तो ए के डिफॉर्मेशन का जो रेट है वो किसके इक्वल होगा, इसको मान लो यहाँ पर के वन है, इसको मान लो के टू है, तो ये के वन मान लिया हमने, तो ये के वन ए के इक्वल आएगा प्लस के टू, ये भी ए के ही इक्वल आएगा। ये चीज़ देखनी है अब आपको, इसमें क्या हो रहा है, देखो एक ही प्रोडक्ट से, एक ही रिएक्टेंट से हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं ना दोनों, तो जो हमारा रेट है वो ए पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना, जो ए वाला रिएक्टेंट है उसी पे तो रेट डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, तो वही तो रेट है हमारा, रिएक्टेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, तो हम रिएक्टेंट की ही कॉन्सेंट्रेशंस लेंगे, ठीक है ना। तो हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ले ली दोनों की, बस रेट अलग अलग हैं, तो आप इनको ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि K1 अलग होगा K2 अलग होगा, ठीक है। अगर सेम होते तब तो आप 2KA लिख सकते थे, अब ये सेम तो नहीं है, ठीक है। किसी रिएक्शन में हो सकता है आपको दे दें क्वेश्चन में K1 K2 आर इक्वल, तब क्या रेट होगा, तो इसको फिर ऐड कर सकते हो, अभी यहाँ पर ऐड होना नहीं है पॉसिबल, ठीक है। चलो इतना काम तो हो गया, अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये रेट है आपके E के डिफॉर्मेशन का या फिर B के फॉर्मेशन का या फिर C के फॉर्मेशन का, एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों की सेम ही तो बात हुई। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी टर्म में ले सकते हैं इसको, A की टर्म्स में अगर लें, माइनस डी ए माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए, क्या है हमारा के वन ए एट टाइम टी a माइनस एक्स, और के टू ए क्या है हमारा ठीक है, के वन ए माइनस एक्स प्लस के टू भी हमारा क्या है a माइनस एक्स, ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखो a वाली टर्म तो कॉन्स्टेंट होती है, तो इसको अगर आप t के रिस्पेक्ट में करोगे भी डिफरेंशिएट तो ज़ीरो ही आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से dx एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आना है, कॉमन ले लो a माइनस एक्स को, तो बचेगा क्या k1 वन प्लस के टू, तो यहाँ से ये चीज़ आई अभी तो हमारी इक्वेशन, ठीक है, इतनी इक्वेशन आ जानी है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक x वाली टर्म को एक तरफ रख दो और कॉन्स्टेंट और t वाली टर्म्स एक तरफ, और उसका कर दो डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट, इसको कर दो इंटीग्रेट, ठीक है। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे आप, ये बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही बन रहा है जैसी हमारी फर्स्ट थी, तो हम डायरेक्टली इसमें लिख दें ln a अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा, बिल्कुल लिख दो, बार बार थोड़ी ना हम एक ही चीज़ को करेंगे, क्योंकि ये सेम वही है जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में था,
तो यहाँ पर यही आ जाता है एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स के वन प्लस के टू टी। ये होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर के सिमिलर फॉर पैरेलल रिएक्शन। ये है हमारी पैरेलल रिएक्शन की काइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर ये है तो फिर ये भी पॉसिबल है यहाँ पर कि इसका एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, ये वाली बात भी सही होगी इसकी। फिर तो अब यहाँ पर जो आएगा ना इसकी पावर, ये चेंज आएंगी। अब ए टी इज इक्वल टू जो है ए नॉट ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, उसमें के वन था बस फर्स्ट ऑर्डर में, इसमें के वन प्लस के टू आ जाता है। इक्विलिब्रियम में यही वाला पार्ट क्या था, के वन प्लस के इनवर्स। इन सबको ना आपस में कंपैरिजन करके याद करना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना डायरेक्टली एक बात लिख लो कि जो आपकी बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो और सी की निकालनी हो तो क्या होती है। अगर अब हमें ये कह दिया कि बी और सी की बताओ टाइम टी पे, अब हमें टी की, ए की तो पता चल गई टाइम टी पे ये वाली कॉन्सेंट्रेशन होती है। अगर हमें यही पूछ लें कि बी और सी की बताओ तो कैसे बताओगे। वैसे तो इसको डेरिवेशन होता है इसका करने का, लेकिन आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। इसका एक ट्रिक होती है इसकी, जिसका भी आपको निकालना है ना उसका रेट कॉन्स्टेंट ऊपर लिखो और उसके जो बाकी के बचे हुए हैं उनको प्लस कर दो। ठीक है, साथ में ए नॉट लिखो और फिर यहाँ पर वन माइनस ई टू दी पावर माइनस के वन प्लस के टू टी, ये कर दो बस। ये होता है, ठीक है, ये होता है हमारा इसका रेट। ये याद रखना है आपको ये चीज़। अगर हमें यहाँ पे C का निकालना हुआ तो क्या करेंगे, हम C वाला जो रेट है वो ऊपर रख देंगे, बाकी का जो है वो नीचे आएगा और फिर ये हमारा एज इट इज। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे एक और होता हमारा डी बी होता, मान लो ये C के अलावा एक डी बी होता और उसका के थ्री रेट होता, तब आप क्या लिखते। अच्छा, यहाँ पर तो यही है, अगर हमारा एक और रेट होता ना तब आप यहाँ पर भी एक थ्री ऐड करते, फिर यहाँ पर भी आपका थ्री ऐड होता और फिर के थ्री का अगर आप रेट निकालते तो वो भी हमारा ये आता सेम, बाकी सेम। ठीक है, तो इस तरीके से निकलती हैं। तो कहीं कहीं पर ना आपको पूछ लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताओ क्या होगी, तो वो भी आप इसमें निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी ये ख़त्म हुई है रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। ए डिकम्पोज एज, एक कोई हमारा रिएक्टेंट ए है वो कुछ इस टाइप से डिकम्पोज हो रहा है हमारे दो प्रोडक्ट्स में, टू बी एंड सी में, और यहाँ पे जो इनके रेट्स हैं ना वो भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे जो के वन दिया हुआ है और यहाँ पे के टू भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, के वन की वैल्यू दी है टू इंटू, ये इतना पर सेकंड दिया हुआ है, और जो K2 का रेट है वो है हमारा 1 इंटू टेन इज टू द पावर माइनस 3 पर सेकंड। ठीक है, ये गिवन है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B taking two molar concentration of A of A
एट एनी टाइम टी इज, क्वेश्चन समझो पहले। हमारा कोई ए प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया हुआ है जो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक टू बी और एक सी, ठीक है। दोनों के रेट भी हमें गिवन है। आपको बताना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा किसी टाइम टी पे, जब आपके ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 मोलर है, तब ये बताना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन हमें दी हुई है इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ए से हमारा 2b भी बन रहा है और ए से ही हमारा c भी बन रहा है। तो हमें सबसे पहले तो इस रिएक्शन का रेट ही लिखना पड़ेगा, क्या होगा, तो रेट माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, के वन ए प्लस के टू ए ठीक है, ये चीज़ होगी। और अगर हम C के साथ निकालना चाह रहे हैं रेट, अभी C भी तो है ना यहाँ पर, हाँ तो C दोनों के तरीके से हमने निकाल दिया ये वाला, ठीक है। अब ये वाला रेट तो हमारा सिर्फ एक टर्म में आया है, हमें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बताना है ना, B के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, तो हमें B की टर्म्स में भी तो लिखना पड़ेगा ना इसको। तो हमें इस वाली से तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो इस वाली को देखना है बस, तो हमें तो इसकी टर्म्स में निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा से एक रेट लेते हैं, ये तो एक जनरल रेट हो गया पूरी इक्वेशन का, हमें लेना है सिर्फ ये वाला पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन वाला माइनस डी ए बाई डी टी एंड डी बी बाई डी टी, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस। और ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर बी के साथ में कोफिशेंट भी है तो यहाँ 1/2 भी लिखना ज़रूरी है। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना, यहाँ पर 1/2 भी आएगा क्योंकि पर मोल लेते हैं ना हम ये चीज़, तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया कोफिशेंट से, ठीक है, इज इक्वल टू के वन ए, ये आएगा। तो अब यहाँ से जो हमारा रेट आएगा ना वो किसके इक्वल है, बी के अपीयरेंस का रेट हमें बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना है। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कर दो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, ये वाला सारा पार्ट यहाँ से हटा दो और ये वाला लिख दो। ये आ गया, ठीक है, ये यहाँ से 2 कैंसिल हुआ और ये आ गया हमारा डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 के वन, के वन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 2 इंटू 10^-3 पर सेकेंड, और ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई थी हमें, 2 मोलर, ये हमें दिया हुआ था, तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ 2 मोलर लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 8×10^-3 मोलर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो बी की ये जो कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम टी वो आ गई, बी के अपीयरेंस का रेट किसी टाइम पे आ गया, ये हमें निकालना था, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर इस वाली ट्रिक को समझना था, ये यूनिवर्सल की बात नहीं की है, यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं जो निकालनी है उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा था, तो ये हमने लगा के आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये तो क्वेश्चंस अभी हमारे जस्ट स्टार्ट हुए हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हमें इस चैप्टर से, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, आता है, क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्ज़ाम में, तो इसके हम और भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी करेंगे। अभी तो जितना आपने किया है उसको रिवाइज करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।